प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनपद में स्थापित 15 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय पुरुष एवं महिला में महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, शीतल पांडे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुधाकर पांडे ने फीता काटकर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, जिसके संबंध में CMO डॉ. सुधाकर पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में लगाए गए प्लांट का तथा गोरखपुर जनपद में लगाए 15 ऑक्सीजन गैस प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। CMO ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लग जाने से अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और अब जिला ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर होगा। अब जब भी किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो मरीजों की सेवा करने के लिए अस्पताल पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में CSC पर जनरेशन प्लांट चल गए हैं, वहाँ काफी एरिया कवर करते हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में 1000 की क्षमता वाले प्लांट करीब 6 हैं, बाकी 300 से 500 क्षमता वाले प्लांट लगाए गए हैं। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, CMO डॉ. सुधाकर पांडे, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अभयचंद श्रीवास्तव, महिला अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रीना त्रिपाठी सहित अन्य चिकित्सक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अभयचंद श्रीवास्तव तथा CMO डॉ. सुधाकर पांडे ने कहा, अपनी आंखों में सजोड़े जनमानस ने राष्ट्र सर्वोपरि कारण जगा के दुनिया के रंग क्षेत्र में हिंदुस्तान को सर्वोच्च शिखर पर देखने के स्तर पर राष्ट्र स्वाभिमान के प्रति मान्य भारत के श्री नरेंद्र मोदी के आग्रह से हम सभी का साल 2020-2021 अपनी दुनिया का जन्म स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स का विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का अतिथि देवता के सनातन धन्यवाद।
देख ले भाई वो बुजुर्ग शीतल पाणे काटी हम तो ओके काट दे तू काट के बात कर ये कोरोना के परिदृश्य में जो पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, हम आभारी हैं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, जिन्होंने आज हमें ऑक्सीजन की दृष्टि से पूरी तरह स्वावलंबी बना दिया है। हर वो अस्पताल जिसकी बेड संख्या 30 से ऊपर है, माननीय प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि उसके पास अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होना चाहिए। देश के सभी अस्पतालों में आज पीएम केयर 2 के अंतर्गत 1000 LPM के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन माननीय लोकल विधायक सीता प्रसाद पांडे जी और डॉक्टर आर एम डी अग्रवाल और शहर के मेयर के उपस्थिति में हुआ, जिसका लोकार्पण वर्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया तथा साथ में ही इसके पहले लगे CSR फंड से पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा इंडियन ऑयल के CSR फंड से एक प्लांट लगा था जो 960 LPM का था, इसका भी आज लोकार्पण कर दिया गया। दोनों प्लांट चालू अवस्था में हैं और इन दोनों प्लांट के चलने से 400 बेड की सप्लाई सेंट्रल लाइन से हो सकती है। ये चिकित्सालय 305 बेड का ही है। इस प्रकार हमारे सभी बेड पे अपने ही चिकित्सालय से बनाए गए ऑक्सीजन के द्वारा सप्लाई की पूर्ति कर ली गई है। सर दोनों ऑक्सीजन कितनी क्षमता है सर? एक 960 लीटर पर मिनट का है और दूसरा जो पीएम केयर 2 के फंड से है वो 1000 LPM की क्षमता का है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे पूरे देश में जितने भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हुए हैं सबका उद्घाटन किया गया। मेरे ज़िले में भी 15 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो गए थे जिनका प्रधानमंत्री महोदय द्वारा उद्घाटन किया गया है और ये जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया। सारे प्लांट हमारे क्रियाशील हैं, सब काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, जिससे अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं ऑक्सीजन के लिए। अब कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ेगी, कभी ज़रूरत पड़ेगी, कितनी भी ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ेगी तो हम आत्मनिर्भर हैं, हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। सर ग्रामीण में भी है? ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे 5 CSC पर जनरेशन प्लांट चल गए हैं और वो काफ़ी एरिया कवर करते हैं चारों तरफ, हर एरिया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह हमने अपने प्लांट लगा दिए हैं कि उधर से आने वाले मरीज वहाँ भर्ती करेंगे और उनका इलाज करेंगे। सर कितनी क्षमता है? जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनकी 1000 के आसपास की क्षमता है। करीब हमारे पास 6 प्लांट ऐसे हैं जिनकी 1000 की क्षमता है, बाकी हमारे प्लांट जो है 300 से लेकर के 500 की कैपेसिटी के हैं जो रूरल एरिया में लगे हुए हैं।